कौन है आप और आपकी ये हालत? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा नाम महानंद है। आपने हमें क्या इतना छोटा समझ लिया कि हम आपको बोझ समझेंगे? आप जब तक ठीक नहीं हो जाते आप यहीं रहेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। वैसे आपने ये बताया नहीं कि मेहमान है कौन। अरे तुमने तो पूछा ही नहीं। जब मैंने मोहिराम को पूछा तो वो कहने लगा कि आप मालिक से ही पूछ लीजिएगा। आप पता कीजिए उसे किसने छुपा कर रखा है। अब हर किसी के घर हम तो जा नहीं सकते, इसका पता आपको ही लगाना होगा। नाना जी वो पेड़ कौन सा है? कौन सा, ये वाला? नहीं नहीं वो वाला। वो वाला तो मुझे भी नहीं पता बेटा। मोहिराम, तुम्हारे कमरे के पीछे जो कमरा है ना, वो बहुत दिनों से बंद है। उसे अच्छी तरह से साफ सफाई कर देना, ठीक है? जी मालिक, समझ गया। और हाँ, चाय नाश्ता खाने पीने का बंदोबस्त भी कर देना। सब हो जाएगा मालिक, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और सुनो, कमरे की अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद वहां एक पानी का घड़ा भी रख देना और एक खटिया भी बिछा देना। और जसोदा से बिस्तर और चादर लेकर वहां बिछा देना, ठीक है? जी मालिक, पहले जाकर सफाई कर देता हूं। बाबूजी, ये साफ सफाई किस लिए? कोई मेहमान आने वाला है क्या? कैसी बात कर रहे हो बनमाली, सिर्फ मेहमान आने पर ही साफ सफाई की जाती है? घर का हर कमरा हर रोज साफ होना चाहिए, समझे तुम? जाओ अंदर जाके अपना काम करो। जी। कौन आने वाला है नाना जी, बताइए ना नाना जी, कौन आने वाला है? हर वक्त सवाल नहीं किया करते बिना, जाओ बाहर जाके खेलो। ओ, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। गायत्री, ये घर में चल क्या रहा है? बाबूजी से पूछो तो वो साफ साफ बताते नहीं है। बाहर साफ सफाई चल रही है, कोई मेहमान आने वाला है क्या? आपको तो किसी भी बात की सूझ नहीं रहती है और ना ही कुछ पता होता है। अरे बताओगे तभी तो जानूंगा। पूरी रामायण हो गई और आप पूछ रहे हैं सीता स्वयंवर कब होगा। माँ बाबूजी से पूछ लीजिए, वही लोग बता देंगे। ठीक। ओह कन्हैया, अरे हाँ, तुमने देखा ना, मोहिराम के बगल वाला कमरा बाबूजी सफाई करवा रहे हैं। कोई मेहमान आने वाला है क्या? मेहमान आने वाला नहीं है भैया, मेहमान आ चुका है। क्या? वो कल रात को ही आ चुके हैं, बस हमारी मजबूरी है कि उस मेहमान को हमें छुपा कर रखना है ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। अरे ये क्या कह रहे हो तुम, हमारे घर का मेहमान और हमें उसे छुपा कर रखने की क्या जरूरत है? आपको पता है ना, महानंद को पुलिस तलाश कर रही है। हाँ, पुलिस ने उसके ऊपर 5,000 का इनाम भी रखा हुआ है। वही महानंद वो मेहमान है जो हमारे घर में है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो सच है वही बता रहा हूं। वो कल रात को आया है, उसको गोली लगी थी। बाबूजी के कहने पर उसकी गोली मैंने ही निकाली और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो यहीं रहेगा। इस उम्र में क्या बाबूजी का दिमाग खराब हो गया है? अरे ये बात बाबूजी की समझ में क्यों नहीं आती कि अगर पुलिस को पता लग गया ना तो हम सबको पुलिस उठाकर अंदर डाल देगी। ये बात आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन बाबूजी इन सब में हमारी बात कहां सुनते हैं? तो क्या पूरे परिवार को मुसीबत में डालना चाहते हैं वो? आप ही बाबूजी से बात कीजिए। नहीं, मैं अकेले बात नहीं करूंगा, हम दोनों मिलकर उनको समझाएंगे कि ऐसा करना हम लोगों के लिए खतरनाक है। कभी भी कहीं भी पुलिस को महानंद के यहां होने की खबर मिल सकती है।
5000 के लालच में पुलिस को कोई भी खबर दे सकता है। अच्छा, क्या मोहिराम इस बारे में जानता है? हाँ, महानंद की सेवा फिलहाल तो वही कर रहा है। मोहिराम काका, ये चादर और तकिया उसी मेहमान के लिए लेकर जा रहे हो ना जो उस कमरे में बैठा है? क्या आपने वहाँ जाकर देखा? हाँ, मैंने झांक कर देखा। कौन है वो आदमी? ए भगवान, ये क्या क्या करती रहती हैं आप, कहीं भी तांग जा। अभी मालिक को मालूम हुआ ना तो बहुत नाराज होंगे। अब बताएंगे नहीं तो उनको मालूम कैसे होगा? अंदर कौन है वो आदमी? अंदर वो कोई नहीं है। अंदर कोई तो है, मैंने देखा है। कोई मेहमान है तो आप बताते क्यों नहीं? अरे बिटिया, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपके साथ चलती हूँ ना, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। कौन मेहमान है वो? नाना जी का कोई मेहमान है क्या? ओहो, आपके सवालों का जवाब मेरे पास को होता ही नहीं है। मोहिराम काका, कोई और नहीं बताएगा तो ठीक है, लेकिन आप तो बता सकते हैं ना। पहले ये बताइए, आपको मेरे कमरे की तरफ आने के लिए किसने कहा और किसने बताया आपको? सबको तो पता ही है कि आपने वो कमरा जाकर साफ किया और अब ये बिस्तर लेकर जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं जाकर खुद देख लूं। देखिए बिटिया, मेरे लिए ना मुसीबतें खड़ी मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से, वरना मालिक ने आपको यहाँ देख लिया ना तो बहुत नाराज होंगे। अगर आप मुझे मेहमान के पास नहीं ले गए ना तो मैं कह दूंगी कि आपने मुझे भगा के नाना को कोई मेहमान आया हुआ है। अब तो आप मुझे लेकर चलेंगे ना? अरे उसे गोली लगी है, घायल है वो। मैं नाना को जाकर ये भी बता दूंगी कि आपने मुझे कहा कि उसे गोली लगी है और वो घायल है। जाओ बता दूं नाना को। अरे ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? आपके मुंह से निकल भी गया और मैं जान भी गई। अब तो मुझे लेकर चलो मेहमान के पास, वरना मैं नाना जी को जाकर बता दूंगी। ए भगवान, आपसे तो भगवान बचाए, चलिए लेकिन चुप रहिएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मालिक ने कहा था कि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं ये चादर भी बिछा देता हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, इतनी ऐश क्यों करवा रहे हो भाई? हमें तो कभी भी कहीं भी किसी भी तरह वक्त गुजारना पड़ता है। ये कौन यहाँ? ये मालिक की नातिन है, अब जिद पकड़ ली मेहमान को देखना है। अगर मालिक को मालूम होगा ना तो मुझे बहुत डांटेंगे। उनको कैसे मालूम होगा, मैं उन्हें बताऊंगी नहीं कि मैं मेहमान को देखने गई थी। ये तुम्हें किसने कहा कि मेरे बारे में किसी को मत बताना? आपको नाना जी ने छुपा कर रखा है ना, घर में तो किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मोहिराम काका को पता है, तो मैंने मोहिराम काका को पकड़ लिया। बड़ी होशियार हो, पढ़ती हो? हाँ, मैं स्कूल में फर्स्ट आई थी। आप लोग बात कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। बेटिया मैं अभी आता हूँ। है क्या हुआ आपको, चोट लगी है? हाँ बेटा, गोली लगी है मुझे, अंग्रेजों ने ये चोट पहुंचाई है। अंग्रेजों ने? साहब, नहीं साहब, साहब, साहब। यू इंडियन रास्कल, तुम शरफत से नहीं मानता। क्या सोचने लगी? वो अंग्रेज है ना जैक्सन, उन्होंने मंगलू काका को कोड़े से मारा, मुझसे वो देखा नहीं गया, इसलिए मैंने पत्थर उठाया और मार दिया उनके सर पर। तुम्हें उससे डर नहीं लगा? मुझे क्यों डर लगता, उन्होंने मंगलू काका को कोड़े से मारा और अब देखिए आपको भी उन्होंने मारा। ये अंग्रेज लोग लोगों को कोड़े से क्यों मारते रहते हैं? उन्हें ही भगाने के लिए तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, इन लोगों को यहाँ से तो भगाना ही चाहिए। जब देश के बच्चे बच्चे के दिल में ये बात गूंज रही है तो अब तो ये लग रहा है कि उनके दिन पूरे हो गए। अब तो अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। नाना जी ने आपको यहाँ पर छुपा कर क्यों रखा है? क्योंकि वो अंग्रेज मुझे ढूंढ रहे हैं
और तुम भी किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगी किसी को, और मैं आपको आज से गोली काका कहूंगी। बहुत अच्छा संबोधन दिया है। घर में मेहमान आने से दुखी नहीं हुआ जाता जशोदा। मैं दुखी नहीं हो रही हूँ, मैं तो बस ये सोच रही हूँ, वनमाली कह रहा था कि बाहर हर जगह पुलिस का पहरा है, अगर पुलिस को पता लग गया तो। डर कोई भी हो, किसी भी बात का हो, वो डरने वालों के लिए होता है, और जो नहीं डरते उन्हें किसी बात का डर नहीं होता। और मैं इस डर की वजह से महानंद जी को जाने के लिए कह दूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इन्हें अपने घर में रख के आपको पता है आप कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं? जान से बढ़कर तो खतरा नहीं हो सकता ना बेटा। और ये क्रांतिकारी लोग अपनी जान पर खेलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पता है किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। बाबूजी आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें भी जो बनेगा हम वो भी सहयोग दे देंगे। लेकिन बाबूजी उनको अपने घर में रखना ये कहां तक उचित है? उचित है, सबसे बड़ा अनुचित होगा अगर हम उन्हें जाने के लिए कह दें। बात मना करने की नहीं है बाबूजी, बात यह है कि आज पूरे शहर में पुलिस महानंद को तलाश कर रही है, और भैया ने बताया है कि 5,000 का नकद इनाम रखा है उनपे। आपको पता है ना 5,000 कितनी बड़ी रकम होती है, किसी की भी नीयत बदल सकती है 5,000 की रकम देख के। तुम्हारी नीयत तो ठीक है ना, किसी और की नीयत की परवाह मत करो, देशभक्ति और उसूल भी कोई चीज होती है। और हां, हर फैसला नाप तोल के नहीं किया जाता। लेकिन बाबूजी तुम लोग चाहते क्या हो? इस हालत में मैं उन्हें जाने के लिए कह दूं ताकि वो बाहर निकले और अंग्रेज सिपाही उन्हें पकड़ ले? अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बस हम सबको इस बात का ख्याल रखना होगा कि बाहर आने वालों की किसी की नजर उन पर ना पड़े, और ना ही बाहर वालों को इस बात का पता लगे। तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही उनका जख्म ठीक हो जाएगा महानंद जी खुद यहां से चले जाएंगे। आपको इस बात का एहसास नहीं है बाबूजी कि अगर महानंद हमारे घर से गिरफ्तार हुआ तो ब्रिटिश सरकार का कैसा कहर हम पर टूटेगा। लेकिन मुझे इस बात का एहसास है, मुझे जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं आप? खाते वक्त कुछ मत सोचिए। उसी जैक्सन के बारे में सोच रहा हूँ। बाबूजी मैंने उसके बारे में पता किया है, बहुत ही निर्मोही और खतरनाक ऑफिसर है वो, हम हिंदुस्तानियों को समझता ही नहीं, उसकी नजर में हम इंसान नहीं जानवर हैं। जानवर यही तो सोच है, और इसी सोच की वजह से वो हम पर हुकूमत कर रहे हैं। अब ये हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलेगी बाबूजी, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार को हिला के रख दिया है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप अंग्रेजों का साथ देंगे? क्या आप क्रांतिकारियों के बारे में पता लगाकर अंग्रेजों को बताएंगे? सबकी अपनी अपनी उम्मीद है, अंग्रेज भी हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनका साथ दें। और दूसरा सच तो ये है कि हमारे अपने लोग पैसों के लालच में अंग्रेजों के खबरी बनकर उन्हें खबर दे रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए बाबूजी? इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं?
हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज अफसर को यह लगना भी नहीं चाहिए कि हम उनका साथ नहीं देना चाहते। और तुम भी आजकल बाहर कम निकला करो, माहौल दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। जी बाबू। और तुम रूमा को भी समझा देना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं। पता नहीं कब किस जगह अंग्रेज सिपाही धावा बोल दे, कब कहां गोली चलने लगे। वो कहां बाहर जाती है, वो दिन भर घर में ही तो रहती है। फिर भी मैं उसे बोल दूंगी। बाबूजी, जैक्सन का कहना है कि महानंद इसी इलाके में छुपा हुआ है। ये सोचकर तो मैं भी हैरान हो रहा हूँ रामेश्वर, कहीं ऐसा तो नहीं कि महानंद को गोली लगी थी और उसका देहांत हो गया। अगर ऐसा होता तो उसकी लाश मिलती, और ऐसे मामलों में क्रांतिकारी शहीद होने वाले का नाम बड़ी तेजी से फैलाते हैं। इसीलिए तो किसी क्रांतिकारी की अर्थी निकलती है तो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी। जैक्सन का कहना है कि महानंद को गोली लगी है और वो बुरी तरीके से घायल है और अपने ही इलाके में कहीं छुपा हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि अपने इलाके में कौन है जो उसको पनाह देने की हिम्मत कर सकता है। गोली काका, आपने बताया नहीं कि आपने अंग्रेजों के साथ ऐसा क्या किया था कि उन्होंने आपको गोली मार दी। बिटिया के सवालों से तो पूरा घर सोच में पड़ा हुआ है, और अब बिटिया को सवाल करने के लिए आप मिल गए। अरे पूछ ही तो रही हो मोहिराम काका। गोली काका बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा तुमने बताया था ना कि एक बार तुमने पत्थर मारकर जैक्सन का सर फोड़ दिया था। मैंने भी वही किया, मैंने एक अंग्रेज का हाथ तोड़ दिया। तो उन्होंने आपको गोली मार दी, मेरे साथ तो ऐसा नहीं किया। तुम अभी छोटी हो ना, इसलिए नहीं किया। अच्छा तुम अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ, तुम स्कूल जाती हो ना। हाँ। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अपने स्कूल में कभी भी मेरे बारे में कोई भी चर्चा मत करना। नहीं नहीं, आपके बारे में तो मैं कभी बात ही नहीं करती, और नाना जी ने भी मुझे कहा है कि अगर मैंने किसी को आपके बारे में बताया ना तो आप यहाँ से चले जाओगे। मोहिराम काका, आप घर पे किसी को मत बताना कि मैं यहाँ गोली काका के पास बैठी हुई हूँ। जी बिटिया। गोली काका, आप यहाँ ये आपने किसी को नहीं बताया ना, और अब हम भी नहीं बताएंगे तो आपके साथियों को कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ हो। मेरे साथियों को पता चल जाएगा। कैसे? ये संदेशे तो हवाएं अपने आप पहुंचा देती। हवाएं? अंग्रेजों को पता लगे ना लगे, लेकिन हमारे साथियों को पता चल जाता है कि हम कहां और किस हालत में। हवाएं जाकर सब कुछ बता देती है, कमाल है। हवाओं से संदेश भेजना मुझे भी सिखा दीजिए ना गोली काका। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हवाएं संदेश कैसे पहुंचाती। अच्छा चलो ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ कितने दोस्त हैं, और तुम अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा किसे मानती हो? स्कूल में तो सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं और सब मुझे बहुत मानते हैं, पर मुझे रूमा मौसी से बात करना अच्छा लगता है। रूमा मौसी? हाँ, वो करुणा बरुआ, वो मेरे छोटे नाना है, उनकी ही बेटी है रूमा मौसी। लिस्ट में और भी कुछ नाम है, शंकर एंड जतन। हमने कसम खाई है कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा जीवन का लक्ष्य और सबसे बड़ी खुशी हमारे देश की आजादी होगी। हमने ऑर्डर जारी कर दिया है कि इसको देखते हुए गोली मार दिया जाए। ये लो दूध पी लो। पी लो? अभी मन नहीं है माँ, बाद में पी लूंगी। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? माँ, वो जैक्सन बाबूजी से मिलने आया था, वो बाबूजी उसका साथ तो नहीं देंगे ना? हरगिज नहीं रूमा, हम हिंदुस्तानी हैं, आजादी तो हमें भी चाहिए ना।
अंग्रेज सरकार की बात मानना हमारी मजबूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बाबूजी अंग्रेजों का साथ देंगे। वो जैक्सन ने बाबूजी को लिस्ट दी थी, उसमें नाम बहुत से थे ना। जैक्सन की लिस्ट में जिनका नाम है उनको तो हम भी जानते हैं। वो जतिन, वो हमारे यहाँ ही काम करता था, उसका नाम भी जैक्सन की लिस्ट में है। लगता है ये जैक्सन किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुम फिक्र मत करो बेटी, दूध पियो। हे भगवान, मेरे जतिन की रक्षा करना। वो तो देश और अपने देशवासियों के लिए लड़ रहा है। कल सुबह उसने मिलने के लिए चिट्ठी लिखी है, क्या कल उससे मुलाकात हो पाएगी? पता नहीं कहाँ होगा और किस हालत में होगा जतिन। कई दिनों से उसकी खोज खबर ही नहीं मिली। अंग्रेज सिपाही पीछे पड़े हैं, वो अलग, कहाँ होगा? कौन है यहाँ? मैं अभी नाना जी को जाकर बुलाती हूँ। देखो तुम चिल्लाना मत, मैं यहाँ कोई चोरी करने या किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मेरा दिल कहता है कि इस लड़ाई को जीतने के बाद तुम वापस जरूर आओगे। तुम मेरे लिए आओगे और तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा जतिन, और याद रखना कि मैं आखिरी दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें रूमा मौसी से एक सामान लेकर आना होगा। कौन सा सामान? बिटिया, वो रूमा तुम्हें खुद ही दे देगी, वो तुम्हें तालाब के पास मिलेगी। ठीक है गोली काका, लेकिन एक और वादा करो बिटिया, तुम उस सामान के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगी कि वो सामान क्या था, किसका था और तुम किसके लिए लेकर आई। ठीक है काका।